दर्शकों, ये बहुत ही एक सोचनीय स्थिति हमारे यहाँ बन चुकी है कोरोना वायरस के चलते, और जगह जगह पर नागरिकों से जो नेतागण है वो अनुरोध कर रहे, पुलिस प्रशासन चुस्त है, बता रहा है, बताया जा रहा है कि वो घर में ही रहे। यहाँ पर इस वक्त हम मोमिनपुरा में हैं और मोमिनपुरा से यहाँ पे से जो है जो प्रतिष्ठित जो है वो यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं कि किस तरह से नागरिकों ने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, किस तरह से आप आह्वान कर रहे हैं लोगों को। भाई, ये जो बीमारी इस वक्त जो शहर के अंदर फैली है, प्रशासन, मैं मौलाना मसूद अहमद हूँ और शहर नागपुर के जमीतुलमा का प्रेसिडेंट हूँ और खादिम होने की वजह से कौम की जो खिदमत करती है जमीतुलमा, उस नाते से पुलिस के प्रशासन ने हमसे ये दरख्वास्त किया कि भाई कौम और पब्लिक की जनता आपकी बातें को सुनती है, आप उलमाए किराम हैं, हम तो जो समझाना था हमने समझाया लेकिन पब्लिक समझ नहीं रही है, आप आइए मैदान के अंदर, हमारी गाड़ी के अंदर बैठिए और हमारे गाड़ी के अंदर बैठ के पब्लिक से, जनता से रिक्वेस्ट कीजिए कि बीमारी कितनी खतरनाक है और कितना इसका नुकसानदेह है। तो हम यही पब्लिक से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई ये बीमारी दरअसल हमको लगी नहीं है, ये बीमारी की जो परेशानी उस शख्स से पूछो जिसको ये बीमारी लग चुकी है और ये बीमारी किस तरीके से फैलती इसका पता नहीं चलता। अगर इस बीमारी को सावधानी नहीं बरते और प्रशासन जो चाहती है हमारे साथ कि भाई हम उसका ताउन करें, हम अगर उसका ताउन करेंगे तो प्रशासन भी हमारे साथ ताउन करेंगी। हम पब्लिक से दरख्वास्त करते हैं, चाहे पब्लिक कोई भी हो, चाहे वो, लेकिन अपने इलाके के पब्लिक से हम खासतौर से ये दरख्वास्त करें क्योंकि घनी आबादी है और घनी आबादी के अंदर इसका नुकसानदेह ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जहाँ जिस मुल्क के अंदर ये बीमारी आई और ये बीमारी लगी वो घने आबादी के इलाके थे, इसलिए वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ। और प्रशासन भी इसी तरीके से चाहता है कि इस इलाके के लोग, पब्लिक और जनता इस बात को सोचे और समझे कि ये बीमारी क्या है। मैं पब्लिक से दरख्वास्त करता हूँ, पूरी जनता से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बीमारी को समझें और डॉक्टरों ने जो चीज़ें बताई उसके मुताबिक अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर्फ्यू लगाने, ये जुल्म नहीं हमारे साथ, ये मजबूरी के तहत ये काम लिया गया ताकि इस बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैले ना और जो अभी स्टेज कम है वो स्टेज वहीं तक बाकी रह जाए और अगर इस स्टेज बढ़ जाएगा तो फिर नुकसान होगा और इससे मजीद महामारी का हालात पैदा हो सकते हैं। इससे कबल कि महामारी के हालात पैदा हों, हम पब्लिक से, आवाम से, जनता करते हैं भाई अपने घरों के अंदर रहे और साफ सफाई का खासतौर से ख्याल रखे। तो ये हमारे साथ में मौलाना साहब थे जो नागरिकों से, मौलाना मसूद साहब थे जो जो हमारे मोमिनपुरा के रहवासियों को आह्वान कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इस बीमारियों का जायजा लेना चाहिए, किस तरह से उन्होंने सपोर्ट करा, किस तरह से उन्होंने घर में ही रहना चाहिए, रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए। इन INBCN के माध्यम से भी हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि वो भी इस वक्त साथ दे, अपने आप को आइसोलेटेड रखे, घर के अंदर ही बने रहे, पुलिस प्रशासन चुस्त है, मौलाना मसूद साहब जैसे लोगों को ये मदद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों को सराहा है, उन्होंने कहा है कि लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लोगों को भी उनको प्रतिसाद देना चाहिए। यहाँ के जनता ने कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए घर के अंदर ही रहने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। INBCN के माध्यम से फिर से हम लोग आह्वान करते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर चुस्त है, दुरुस्त है। ऐसे ही हम आपके साथ में बात करते रहेंगे, बाकी इलाकों की भी न्यूज़ आपके तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में INBCN न्यूज़ पर।